शाहपुर थाने की पुलिस ने पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद में नवजात बच्ची की हत्या के आरोप में दो अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी की है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्ताओं को फातिमा हॉस्पिटल के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुबीना खातून उर्फ सुबी पुत्री हलीमुद्दीन, दूसरी शहनाज खातून पत्नी हलीमुद्दीन निवास घौसीपुरवा पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 2 सितंबर को हुए आपसी विवाद में पीड़ित की सूचना पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें सबीना खातून उर्फ सुब्बी पुत्री हलीमुद्दीन निवासी घोसीपुरवा गीतावाड का थाना शाहपुर गोरखपुर के द्वारा 45 दिन के बच्चे को कमरे में से उठाकर बाहर लाकर जान से मारने की नीयत से नाली के पास रखे पत्थर पर पटका गया, जिससे बेबी की मृत्यु हो सके और आरोपिता की मां शहनाज खातून के द्वारा गाली गुप्ता देते हुए ललकारा गया, जिससे एक छोटे बच्चे को पत्थर पर जानबूझकर पटकने से यह तथ्य सामने आ रहा है कि बच्चे को जानबूझकर मृत्यु कारित करने हेतु चोट पहुंचाई गई थी, जिस चोट से बच्चा मर गया। अब तक के हुए विवेचना से धारा 308 के स्थान पर धारा 302 को लगाया गया है, इस जिसके बाद दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, महिला उप निरीक्षक राजकुमारी शुक्ला, कांस्टेबल प्रशांत नाविक, राहुल सरोज, महिला कांस्टेबल बबीता पांडे शामिल रहेंगे।